पुलिस प्रशासन ने शहर में मॉडिफाइड साइलेंसर वाले दोपहिया वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत पुलिस द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट गाड़ियों को जब्त किया जाकर उनके साइलेंसर खुलवाए। डिप्टी मनीष चौधरी के निर्देश पर गठित पुलिस की टीमों ने शहरी क्षेत्र से इस प्रकार के साइलेंसर लगे 22 दोपहिया वाहनों को जब्त किया गया। पुलिस ने इन वाहनों के खिलाफ कार्यवाही कर जुर्माना लगाया। सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी के अनुसार शहर भर में ऐसे कई दोपहिया वाहन चालक हैं जिन्होंने अपने वाहनों के साइलेंसर को मॉडिफाइड करवा कर वाहन चलाते हैं। वाहन संचालन के दौरान यह वाहन चालक मॉडिफाइड साइलेंसरों से तेज ध्वनि तथा पटाखे छोड़ते हैं, जिसके कारण आसपास चलने वाले अन्य वाहन चालक सहम जाते हैं। इस दौरान कई बार दूसरे वाहन चालक हड़बड़ाहटी में दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। चौधरी के अनुसार इस प्रकार का कृत्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाला तथा दूसरे की जान को जोखिम में डालने वाला कृत्य है। नवंबर में ज्वाइन करने के बाद से मेरे पास शिकायतें आ रही थी कि ब्यावर शहर के अंदर बहुत से लोग जो हैं अपनी बुलेट मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करा के और उसमें मॉडिफाइड सिलेंडर लगा के साइलेंसर लगा के और बहुत तेज आवाज़ करते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं। तो इसी के तहत हमने कार्रवाई करी और कल करीब 22 मोटरसाइकिल हमने जब्त करी और उनके ऊपर चालान किए और उनके जो जो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करने वाले जो साइलेंसर थे वो निकलवाए। और मेरी जो जितने भी युवा और वर्ग है और इनसे यही अपील है कि इन चीज़ों से आप दूर रहें। आगे आने वाले टाइम में भी हमारी टीम जो है पूरे शहर के अंदर सिविल कपड़ों के अंदर रहेंगी और जितनी भी ऐसी मोटरसाइकिल हैं जो बहुत तेज़ आवाज़ करती हैं या फिर जो रोड पर चलाने के टाइम पटाखे छोड़ते हैं साइलेंसर से, उनको हम जब्त करेंगे और उन पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।